आपको, हल्का सा देखो ब्रेक छोड़ी और बाइक आराम से आगे को जाने लग गई। अब भाई चढ़ाई आपको दिखाऊं, देखो पहला गियर डालूं, ऐसे आराम से बाइक निकल जाएगी। ठीक है, आपको भी इसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। सिर्फ ब्रेक के ऊपर हमारी बाइक पूरी टिकी हुई थी। अब देखो जा रही है, देखो बहुत चढ़ाई है भाई। देखो ये मैं आपको वही बोल रहा था कि कैमरे में ना शायद ये दिखाऊं, मैंने बोला था ना मेरी बाइक बंद हो जाएगी, क्यों? क्योंकि भाई एक तो चढ़ाई है, ऊपर से मैंने गियर। हेलो भाई, मैं हूँ अजय। बहुत टाइम से भाई कमेंट आ रहे थे कि हमको चढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो चढ़ाई में एक वीडियो बनाऊँ। तो भाई आज मैं आपको चढ़ाई में ले आया हूँ। ये भाई अच्छी खासी चढ़ाई है, आपको बताऊँगा कि कैसे आपको अपनी बाइक को चलाना है, और अगर बाई चांस आपकी बाइक किसी कारण से बीच में बंद हो जाती है तो आपको कैसे सब कुछ मैनेज करना है। ओवरऑल भाई आज की वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद 110% गारंटी है भाई, आपको कभी भी चढ़ाई पर दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो भाई जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको चढ़ाई में ले आऊँगा, तो ये भी भाई खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा, देखो मैं अपने ब्रेक को छोड़ू बाइक के, बाइक भाई ऑटोमेटिक ही पीछे को जाने लग जाएगी। तो ये उस हिसाब से चढ़ाई है मेरी। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ। देखो मैं अब हम नॉर्मल रोड में क्या करते हैं भाई कि हम क्लच छोड़ देते हैं, हल्की रेस के साथ बाइक चल जाती है ना। अगर आपको लगा मैंने और ज़्यादा कम रेस दी, थोड़ी और रेस देता हूँ। देखो भाई, ठीक है, इसी से पता लग रहा होगा भाई, ब्रेक जैसे मैं छोड़ूंगा बाइक पीछे को जाएगी, देखो है ना। तो देखो कितना झटका पड़ रहा है बाइक पे, आप इससे अंदाज़ा लगाओ। देखो भाई यहाँ पे नॉर्मल बाइक रुकी है, ठीक है, उसके बाद जैसे मैं देखो झटका पड़ रहा ना, अगर मैं रेस ना दूँ या फिर क्लच ना छोड़ूँ तो बाइक ये आपके सामने है भाई, क्योंकि यहाँ पे ना चढ़ाई है जो आपको कैमरे में विजिबल नहीं हो रही। अब मैं आपको बताता हूँ आपको चढ़ाई में करना क्या है एक्चुअल में। ठीक है, देखो अगर हम नॉर्मल ढंग से बाइक को चढ़ा रहे हैं ना इसके ऊपर, तो हम पहले स्टार्टिंग पहले गियर से करेंगे, ये तो सबको पता है। देखो भाई, ठीक है, पहले गियर से हमने स्टार्टिंग करनी है। क्या करना है, थोड़ी सी रेस एक्स्ट्रा रखनी है बस। ठीक है, पहले गियर से हमने शुरुआत कर ली, इसके बाद मैं आगे बताऊंगा भाई आपको आपको क्या करना है जब हम चढ़ते जाते हैं नॉर्मल। बाई चांस मान लो हमने पहले गियर से शुरुआत की, ठीक है, ऐसे देखो रेस थोड़ी एक्स्ट्रा देनी है, दूसरा गियर आराम से हम प्यार से निकल रहे हैं। अगर हमारे सामने कुछ आ जाता है और हमने ब्रेक लगा ली और उसके बाद हमारी बाइक बंद हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर हमारी बाइक ऐसे बंद हो गई, उसके बाद अब क्या करें, क्योंकि भाई चढ़ाई एकदम खड़ी है। अब इस खड़ी चढ़ाई में हमको अपनी बाइक को प्रॉपर ढंग से रोकना भी है, आगे भी बढ़ाना है। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अगर मान लो न्यूट्रल है, ठीक है, आपने बाइक स्टार्ट की, बाइक पीछे को जा रही है, ठीक है, लेकिन आपने ब्रेक लगा के रखी हुई है, बट आपने क्लच दबा के गियर भी छोड़ना है लेकिन ब्रेक के साथ, अगर आपने ब्रेक छोड़ी तो बाइक पीछे जा रही है, ठीक है, और आपको आगे ले जानी है बाइक, इस सिचुएशन में आप क्या करोगे बताओ। मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ आपको भाई, जिससे ना आप अगर कभी ऐसी चढ़ाई वाली सिचुएशन में फंसते हो ना कि आप ऐसे चढ़ाई वाली जगह में आके आपकी बाइक बंद हो जाती है और आपसे आगे नहीं जा रही है, तो एक सिंपल सी ट्रिक है। सिर्फ इस चढ़ाई में नहीं भाई, आपने कई बार देखा होगा रेलवे फाटक्स पे भी हमको ये सेम दिक्कत फेस करनी पड़ती है, क्योंकि रेलवे फाटक्स ना हमेशा चढ़ाई पे होते हैं और ट्रैफिक होता है बहुत ज़्यादा ना, जब फाटक लग जाता है तो उसके बाद हमें वो दिक्कत फेस करनी पड़ती है कि हमारी बाइक बाई चांस बंद होगी तो हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, सिंपल हमने क्या करना है, देखो ब्रेक लगा के रखनी है, क्लच दबाया, गेट डाला, अभी ब्रेक लगी, अगर मैं बाई चांस ब्रेक को छोड़ूंगा तो बाइक पीछे को आराम से आने लग जाएगी। ठीक है, हमको ये नहीं करना, हमको क्या करना है, रेस को थोड़ा ज़्यादा देना है। ठीक है, ध्यान से सुनो, रेस को हल्का सा दिया, देखो मेरी बाइक ना मुझे फील हो रही, वाइब्रेट हो रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, रेस को जितना मैंने दिया उसके बाद मैं क्लच को छोड़ूंगा। देखो धीरे धीरे बाइक ना आगे को झटका मार रही है, ठीक है, मुझे फील हो रहा है, देखो आपको शायद मिरर्स में देखो भाई आपको पता लग रहा होगा, अपना बाइक आगे को झटका मार रही है, तो मतलब बाइक आगे को जाना चाहती है। अब मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे ब्रेक को छोड़ूंगा, रेस मैंने लॉक कर रखी है, रेस दे रखी है मैंने, तो जैसे जैसे मैं अपने क्लच को छोड़ूंगा वैसे वैसे मैं अपनी आगे वाली ब्रेक भी छोड़ूंगा। देखो अभी भी देखो, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, देखो भाई भाई ऑटोमेटिक पीछे को जाएगी भाई। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, क्लच को छोड़ा मैंने, जहाँ पे मेरे को लगा मेरी बाइक देखो पुश मांग रही है आगे को जाने को, मैंने हल्की हल्की ब्रेक छोड़नी है, देखो ब्रेक लगी हुई है, देखो दोनों में कोई फ़र्क नहीं करूँगा, सिर्फ ब्रेक छोड़ूंगा और मेरी बाइक देखो भाई आगे को जाने लग जाएगी। देखो हल्का सा देखो ब्रेक छोड़ी और बाइक आराम से आगे को जाने लग गई। अब भाई चढ़ाई आपको दिखाऊँ, देखो कितनी खड़ी चढ़ाई है भाई, ऊपर फ्लाईओवर है तो उसके आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी खड़ी चढ़ाई होगी। ठीक है,
ये हुआ सिंपल सी सिचुएशन है। अगर बाई चांस किसी कारण से आपकी बाइक बंद हो जाती है ऐसे रोड पे, देखो भाई अब पता लग रहा होगा आपको कितनी चढ़ाई है, ठीक है। एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं, देखो आपको करना क्या है, गेट डाला नॉर्मल, ऐसे में अगर रेस देने की कोशिश करोगे बाइक बंद ही होगी, देखो ऐसे ऐसे में नहीं चल पाएगी, या तो फिर बार बार पीछे को आएगी बाइक, ठीक है। इसमें आपको सिंपल भाई बहुत आसान है, इतना लंबा चौड़ा मैं नहीं बताता आपको। देखो ब्रेक लगानी है, गेट डाल रखा है हमने, ठीक है, रेस को हल्का सा दे दो, जितने में आपको लगे आपकी बाइक आगे जाएगी। क्लच को छोड़ो, देखो भाई हमें ना फील होता है कि बाइक ना हमारी आगे को पुश कर रही है हमको, ठीक है भाई। इसमें क्या करना है हमको, देखो धीरे धीरे अपने आगे वाली ब्रेक को छोड़ना है, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, धीरे धीरे हमने अपनी आगे वाली ब्रेक को छोड़ना है। एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, देखो आगे वाली ब्रेक है, दबा रखी है, रेस दे दी, क्लच छोड़ा, आगे वो गाड़ी जाने को मांग रही है, धीरे धीरे जैसे मैं देखो कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ब्रेक छोड़ूंगा तो मेरी बाइक आगे को जाने लग जाएगी भाई, देखो सिर्फ ब्रेक के ऊपर हमारी बाइक पूरी टिकी हुई थी। अब देखो दूसरा गेट डाला, बाइक बहुत आसानी से आगे को जा रही है, देखो बहुत चढ़ाई है भाई, देखो ये मैं आपको वही बोल रहा था कि कैमरे में ना शायद इतना क्लियर नहीं हो रहा कि चढ़ाई है या नहीं है सच में। देखो अब मोस्टली आपको क्या करना है कि जितना हो सके उतना छोटा गियर में आपको ऊपर की तरफ को चढ़ना है, ठीक है। अभी बाइक की डिमांड है तीसरे की, ठीक है, लेकिन भाई तीसरे में अगर बाई चांस आपने स्पीड स्लो कर ली ना, उसके बाद समझ लो आपकी कहानी ख़त्म। देखो जैसे तो अगर ऐसे में मैंने गियर चेंज नहीं किया ना, मेरी बाइक बंद हो जाएगी। मैंने हाफ कलर दबा रखा तब मेरी बाइक थोड़ी बहुत चल रही है, देखो मैंने बोला था ना मेरी बाइक बंद हो जाएगी, क्यों, क्योंकि भाई एक तो चढ़ाई है, ऊपर से मैंने गियर तीसरा रखा हुआ है, स्पीड मेरी 20 पे आ रही है, तो ये मैनेज नहीं हो सकता, हमको गियर चेंज करना ही करना पड़ेगा। आप लिख के ले लो, तो कभी भी आप अगर चढ़ाई पे चढ़ते हो कोशिश करो हमेशा सबसे छोटा गियर रखो, स्पीड के अकॉर्डिंग, स्पीड के अकॉर्डिंग आपका गियर रहना चाहिए। मतलब अगर आपकी स्पीड 20-30 के बीच में है ना भाई, कोशिश करो तीसरा या फिर दूसरे गियर में आपकी बाइक चढ़े, ताकि उसको ज़्यादा पावर मिले। छोटे गियरों में ना ज़्यादा पावर होती है बाइक खींचने की, तो बाइक ना आराम से खींच जाएगी। देखो अभी कैसी चढ़ाई है आपके सामने, वही सेम चीज़। अब मैं इसमें क्या अप्लाई करूँगा, ठीक है, गियर पहले तीसरे गियर में थी भाई, देखो पहला गियर डाला, सेम रेस एक्सरसाइज, ब्रेक लगा के रखी है, जैसी पुश मिलता है धीरे धीरे ब्रेक को छोड़ा, हमारी बाइक आगे को जाने लग जाएगी। देखो भाई अब इस चढ़ाई में सोचो आप तीसरे गियर में 20 की स्पीड चलाओगे चढ़ जाएगी, नहीं, दूसरे पे भी रो रही है भाई, मेरी बाइक बोल रही है पहले गियर की स्पीड में। देखो अब पहला गियर डालूं, ऐसे आराम से बाइक निकल जाएगी, ठीक है। आपको भी इसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। अभी मेरी बाइक देखो तीसरे गियर में, मैंने चौथा गियर नहीं डाला है, ठीक है, तीसरे गियर में मेरी बाइक है, मैंने चौथा गियर नहीं डाला है। आप देखो नॉर्मल सी रोड आने लगी, अब मैं चौथा गियर अपना आराम से डाल सकता हूँ बहुत आसान तरीके से। चौथा गियर मैंने अपना ये लगा दिया, ठीक है, आपको भी इसी चीज़ का ध्यान रखना है भाई। अब ये नॉर्मल रोड है, देखो यहाँ पे अगर चौथा गियर रहता भी है ना, कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। यह तो भाई आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। टोटल ऑन ओवरऑल अगर मैं आपको अभी बताऊँ ना, तो आपके पास दो टाइप की सिचुएशन आती है भाई। देखो एक टाइप से आती है कि जब हमको बाइक को चढ़ाना होता है, या फिर एक टाइप पे बाइक रुक जाती है, मैंने दोनों बता दिया। अगर बाइक रुकती है तो आपको क्या करना है, ब्रेक लगा के उसके सहारे से बाइक को बहुत आसानी से आपने आगे को बढ़ा लेना है। बट वहीं अगर आप बाइक को नॉर्मल कंटिन्यू पहाड़ पर चढ़ा रहे हो, या फिर चढ़ाई वाली जगह पर चढ़ा रहे हो, तो हमेशा कोशिश करो अपना सबसे कम गियर रखो, मतलब स्पीड के अकॉर्डिंग ही गियर को रखो। ऐसा नहीं है कि भाई आप 20-30 की स्पीड में अपने चौथा गियर रखा हुआ है, बाइक ऐसा नहीं है चढ़ेगी नहीं, चढ़ जाएगी, बट बहुत ज़्यादा लैक ही फील होगी, आपको लगेगा कि आपकी बाइक में पावर नहीं है, बहुत ज़्यादा लैक लगेगा आपको। इसीलिए हमेशा अगर वहीं पर आप तीसरा गियर रख लोगे ना भाई, आपको आपकी बाइक में पावर फील होने लग जाएगी सिर्फ एक गियर की वजह से। तो कोशिश करो जब कभी आप चढ़ाई पर अपनी बाइक को चढ़ाते हो, तो आपका हमेशा सबसे छोटा गियर ही रहे, क्योंकि वो बेस्ट होता है भाई। आपकी बाइक बंद नहीं होती, अगर बाई चांस भाई सडनली किसी कारण से आपकी बाइक एकदम से बंद होगी ना, और आपके पीछे से भी गाड़ी आ रही होगी, तो वो सीधा ठोक के जाएगी भाई। इस चीज़ का भी हमको खासकर हमेशा ध्यान रखना होता है, सब चीज़ों को देख के चलना होता है यार भाई, आपके आगे का आप पीछे का। तो इन चीज़ों में ध्यान रखना है कि हमारी बाइक कहीं बीच में रुके ना, और इन चीज़ों की प्रैक्टिस करने के लिए ना भाई किसी खाली जगह पे जाओ, जहाँ पे ट्रैफिक ना हो, जहाँ पे गाड़ियाँ ना हो,
ताकि आप आराम से प्रैक्टिस कर सको इन सब चीज़ों की। क्योंकि भाई अगर मेन रोड पे चले जाओगे ना, जहाँ पे गाड़ियाँ आ रही है जा रही, वहाँ पे आप सीख नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाओगे। तो नर्वस नहीं होना है, सीखना है तो खाली जगह में जाके सीखो और पूरी सेफ्टी के साथ सीखो भाई, ठीक है। तो आई होप भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना, और कोई भी डाउट हो वीडियो को लेकर के तो ज़रूर पूछना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो भाई मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड भाई सेफ राइड प्लीज़।